हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी एक्सपोर्ट मार्केटिंग, तो जैसे बाकी सब्जेक्ट्स का मैंने IMP बता दिया, तो ये नंबर पे तुम लोग मैसेज कर दो, सब सेंड कर दूंगा, ठीक है? जो भी गुरु दक्षिणा दे देना। अब सुनो, एक्सपोर्ट में जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है ना, घुमा फिरा के आएगा, पर थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा तो काम आसान हो जाएगा। पैकेजिंग क्या करता है प्रोडक्ट को? प्रोडक्शन करता है, ठीक है? पैकेजिंग प्रोडक्शन, FOB फ्री ऑन बोर्ड कोटेशन एक्सक्लूड, मतलब क्या नहीं आता है इसमें ना तुम्हारा, ये नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा मालूम है? एक्स फैक्ट्री कॉस्ट नहीं आता है, ये दोनों आता है। इंश्योरेंस, ब्रांडिंग और पैकिंग आर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ऑफ, किसका हिस्सा है? प्रोडक्ट प्लानिंग का, ठीक है? डैश इज अ रूट बाय विच गुड्स मूव टू फॉरेन बायर, कहाँ से जाता है? चैनल से आता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। व्हाट कंसिस्ट ऑफ टेक्निक टू इंड्यूस रिस्पॉन्स फ्रॉम कंज्यूमर एंड इंटरमीडियरीज, इंड्यूस मतलब अपने तरफ खींचना, तो सेल्स प्रमोशन, एक का दो, जूना लाओ नया लेके जाओ, है ना? तो ये सब टेक्निक काम आता है। डैश इज अ मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स बिटवीन पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ कंजप्शन, ओरिजिन और कंजप्शन, इसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक। इसके बाद बोला है पैकिंग क्रेडिट कब लगता है? बिफोर शिपमेंट। पैकिंग कभी होता है? बिफोर, नॉट आफ्टर, बिफोर द शिपमेंट, उसको बोलते हैं प्री शिपमेंट। डैश वॉज इस्टेब्लिश टू प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर को लोन देने के लिए क्या बनाया गया था मालूम है क्या? ECGC, ठीक है? ECGC था जो फाइनेंस के लिए देने के लिए आया था। वॉट इज अ कमर्शियल रिस्क कवर बाय ECGC, कौन सा रिस्क वो कवर करता है वो अपने को बताने का है। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, इंसॉल्वेंसी मतलब कंगार होता है ना सामने वाला, वो कवर करता है। दैट सर्टिफाइज द कंसुलर इनवॉइस, तो कंसुलर इनवॉइस के लिए क्या आएगा? कंसुलेट आएगा। रजिस्ट्रेशन कौन इश्यू करता है मेंबरशिप का? तो रजिस्ट्रेशन एक ही बंदा वो करता है, EPC लोग इश्यू करते हैं, क्या मेंबरशिप सर्टिफिकेट। डैश स्टेट दैट गुड विच आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्री, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये माल ये कंट्री से आया है। ये ट्रू ऑफ फॉल्स बोला तुम्हारा। मार्केटिंग और पैकेजिंग गिव हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन, यस ये ट्रू है ना, एकदम सिंपल है। मार्किंग रहता ना, खोलो निकालो डालो। लेबलिंग एम्स गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, लेबल से इन्फॉर्मेशन मिलता है, यस इट इज ट्रू। फिर बोला है पर्सन सेलिंग ऑफर स्कोप और फीडबैक फ्रॉम कंज्यूमर, राइट? पर्सन सेलिंग से मालूम पड़ता है कि फीडबैक आएगा कंज्यूमर का ना, तो भी सही है। एक्सपोर्टर नीड नॉट कंसिडर कंपटीशन एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस टू फिक्स एक्सपोर्ट प्राइस, नहीं ये फॉल्स है, कंसिडर करते हैं। इंश्योरेंस प्रिवेंट रिस्क फ्रॉम टेकिंग प्लेस, ये भी गलत है, नहीं इंश्योरेंस प्रिवेंट नहीं करता है। लेटर ऑफ क्रेडिट इज इश्यू बाय एक्सपोर्टर बैंक, नॉट, ये इंपोर्टर बैंक देता है, ठीक है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर इज प्रोवाइडेड बाय DGFT, यस ये IEC नंबर होते हैं, IEC नंबर DGFT देता है। क्लियरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट लुक आफ्टर शिपमेंट फॉर्मेट इज फॉर ए कमीशन, कमीशन बेसिस बोला है, यस ट्रू। शुड बी प्रोवाइड फाइनेंस टू स्मॉल स्केल सेक्टर, हाँ भाई नाम से मालूम पड़ता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, छोटे मोटे इंडस्ट्री को लोन देता है। एक्सपोर्टिंग प्रीफर सी ट्रांसपोर्ट फॉर पेरिशेबल गुड, नहीं भाई पेरिशेबल मतलब भाजी पाला आइसक्रीम मटन, इसलिए क्या होता है सी नहीं होता, एयर होता है, ये फॉल्स है, ठीक है? मतलब भी मालूम होना चाहिए। प्री शिपमेंट प्रोवाइड फाइनेंस इज प्रोवाइड ओनली फॉर कैपिटल गुड्स, फॉल्स, सब चीज़ के लिए लगता है। कार्टिंग ऑर्डर इज प्रोवाइडेड बाय कस्टम अथॉरिटीज, नहीं कस्टम अथॉरिटीज नहीं करता, ठीक है? तो ये तुम्हारा क्या था मालूम है, मैंने एक्सपोर्ट का ना अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन कराया, ऐसे और भी लेक्चर बनाया और पूरा बुक को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया, और लाइव लेक्चर भी लेने वाला एग्जाम का टाइम, ठीक है? बस इतना ही बोलने का था, शॉर्टकट में टेंशन खत्म। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।